तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे भैया भाई साहब बैठे हैं और इन्होंने अपना चश्मा दिया था, मैंने शूट किया था। अब ये चश्मा पहन के कैसा लग रहा है बताइए। और इनका चैनल है सवाना ऑफिशियल 786, इनके वाइफ का चैनल है ना जी। तो उसको खूब सारा प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद दीजिएगा। वो कैमरा पर्सन वही है, हाई कर दीजिए। हाय। और खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे साथ भी ये लोग जुड़े हैं, इनका ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद सपोर्ट करिए। शूट हम लोगों का हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अंदर। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, बड़ा मज़ा आने वाला है वीडियो में। और रात को भी हम लोग शूट करने वाले हैं कुछ शॉट्स का यहाँ पे ना। हाँ, ये फर्श बहुत साफ सुथरा है इसीलिए स्लिप कर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है अंदर। हम लोग जाके क्या करते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। बच्चे यहाँ पर लेटे हुए हैं। अब आप क्या करने लगी हैं? अभी आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड क्योंकि इन लोगों ने सारी चीजें खाने से मना कर दिया। ये खाएंगे लिट्टी और चोखा, तो मैं साथ में बना दे रही हूँ एक मीठा, क्योंकि इसी भैया तो रखी है, वो तो कई बार खा लेंगे, लेकिन कस्टर्ड बना देती हूँ। तो बनाइए, अभी आते हैं आपके पास फिर से। उबालने के बाद ये रख देती हूँ मैंने कुछ देर के लिए, लेकिन अब खाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पर लिट्टी को तला जा रहा है। साथ में ये दाल है फ्राई, और इधर लिट्टी और चोखा। अभी चोखा भी आपको दिखाएंगे, अभी लिट्टी देख लीजिए। देखने में तो अच्छी लग रही है, मैंने तो कभी खाई नहीं है, मैं पहली बार ट्राई करूँगी। देखी बहुत हैं वीडियो में। ये वाजिद भाई की है रेसिपी, उन्होंने बताया था और उनका बहुत मन था, एक मुनिया दीदी का और वाजिद भाई का, दोनों का बहुत मन था लिट्टी खाने का, तो वही उन्हीं की रेसिपी से ये बनाया है हमने। किस किस ने ये खाया इस तरीके की लिट्टी? लिट्टी कह रही हूँ मैं तो, लिट्टी है ना, लिट्टी। हाँ, आप बताना कमेंट करके, और लगातार वीडियो पे बने रहिए। अभी हम दिखाते हैं जब खाएंगे तो। ये यहाँ पे लिट्टी तला गया है, आप लोग देखिए तल चुका है जी। ये तल गई है लिट्टी। और चोखा भी तैयार है। चोखा दिखा देते हैं आपको, इधर ये है चोखा जो लिट्टी के साथ में खाएंगे। और चिकन भी है, दिखा देते हैं आपको। यहाँ चिकन भी है जो कि सुबह बना था, तो अभी थोड़ा सा है गोले, इसको फिनिश कर दे। इसमें दाल है गर्म करने के लिए रखा गया है, ये लिट्टी फ्राई हो रही है। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और देखते रहें। इधर को इग्नोर करना, इधर मत देखना। हाँ, उधर को इग्नोर कर दीजिएगा, बर्तन थोड़े से हैं, नहीं देख भी लीजिएगा। गीत गाओ लो। फ्रेंड्स ये देखिए, आज हमारी रजिया सिस्टर बेचारी बीमार पड़ गई हैं, बुखार हो गया इनको, हम छाप के बैठे हुए हैं और इनको बुखार हुआ है। हमें बहुत बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, जैसा लग रहा है घर पे एकदम सन्नाटा छा गया है, किसी का मन नहीं लग रहा, ना बच्चों का, ना भैया का, ना हमारा, किसी का नहीं। और मेरा हमारा बोले तो हमारा किसमें आती है, तो पगली है, सबका अलग अलग होता है। ये मोटकी का मोटकी छोटकी लंबी सही है। हाँ, नकल हो गया आज। हाँ, नकल हो गया। हाँ, लंबी मोटी छोटी देखिए आज मैं मुझे लगा ये छूटने वाला है, नहीं ये छूटने वाला है, उस पर है तो छूट जाएगा, आप नहाएंगे धुलाएंगे नहीं ये छूट जाएगा। इसके लिए दूसरा आपको इस पर कुछ वो कावेरी का चढ़ा लेना चाहिए ना। क्या बोले फ्रेंड्स, हम लोग देखे लेते हैं और 4 बजे तक मैं तो चली जाऊँगी अपने घर। ये अब हम लोगों को छोड़ के जाने वाली है, मजबूरी है क्योंकि मुझे परसों मेरे घर के लिए मतलब रैया के लिए ऐसा रख के निकलना है,
तो मुझे थोड़ा जाके फिर भी चेकिंग वेकिंग करना है, आजकल डॉक्टर को भी दिखाना है, दवाई वगैरह देना है फिर से। तो यहाँ पर रिजल्ट सिस्टर वाले भी बीमार है, उनका चेहरा कैसे उतर गया, बुखार आपको बहुत ज़्यादा था, अभी तो थोड़ा सा कम है, अभी कम है, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। बजरा जी दो बज गया अभी तो, कुछ भी नहीं खाया, तो एक आध घंटे बाद मैं भी चली जाऊँगी, तो आप लोग ब्लॉग बने रहिएगा, आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और हम लोग पैक कर दिया हमने, हाँ सारा सामान रखना है, ऊपर वाले जो ऊपर में जो झूला है ना, हाँ वो ले लीजिए, हम दूसरा कोई ले लेंगे जाने का, हम उसको उसी में सारा सामान ले लीजिए, रख लीजिए हो जाएगा ना, नहीं तो इकट्ठा रहेगा सारा सामान, ठीक है मैं ले तो आइए आप। वो बड़ा है झोला, इसमें बुखार उखार हो गया, बुखार हो गया है और चक्कर भी आ रहा था सुबह में, रात में गिर गई थी सुबह में, रात में ना दवाएं थे मेरी दवा की, हम दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, तबीयत के बारे में ही बता रहे थे, तो यहाँ पे म्यूज़िक की साउंड था तो म्यूट करना पड़ा, बाकी हम बातें वही कर रहे थे। फिर उसके बाद आने लगी थी मुझे खांसी, ये देखिए बहुत बेकार खांसी हो रही है, दे दी गई हैं ऊपर अपने कपड़े लेने के लिए, वो जा रही है ना इसी वजह से। आप वीडियो पर लगातार बने रहे, आज के वीडियो में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इधर बैठे हुए हैं वाजिद भाई, ये म्यूज़िक ही बजा रहे थे उस टाइम पर ना, बाद बात कर रहे थे, आपको भी समझ नहीं पता नहीं उस वीडियो में क्या उसका कमी चल रही है, बनता है वीडियो में कंटिन्यू बने रहे हैं, दिखाते हैं दीदी कब जा रही है, तो कैसे बनेगा मेरा फोन लेंगी।